चलिए, इस बार स्पोर्ट्स तक में इंडिपेंडेंस डे बड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये शो लेकर हम आपके पास आ रहे हैं जो बहुत जल्द स्पोर्ट्स तक के स्पेस पर अपलोड होगा। देखिए यहाँ पे तमाम तैयारियां चल रही है और इस बार इंडिपेंडेंस डे सुनील गावस्कर के साथ होने वाला है। देखिए ये कमरे में आप तमाम तैयारियां देख रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे का फील देने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और सुनील गावस्कर हमें बताएंगे कि इंडियन क्रिकेट के 10 बेस्ट मोमेंट्स उनकी राय में कौन से हैं। इनमें से बहुत सारे मोमेंट्स को तो गावस्कर ने खुद जिया है और वो बताएंगे कि एक बनाम कमेंटेटर, एक विश्लेषक के तौर पे उन्हें क्या लगता है 10 बड़े मोमेंट क्या है। ये इंटरव्यूज विक्रांत गुप्ता और राजदीप सरदेसाई लेने वाले हैं। चलिए उनसे पहले जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। चलिए राजदीप जी, वैसे मतलब ये सारे सवाल तो आप सुनील गावस्कर को कहने वाले हैं, लेकिन ये आपके लिए मौका है, विच आर योर 10 बेस्ट मोमेंट, व्हाट डू यू थिंक? रशेश, ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि अगर आप देखें भारतीय क्रिकेट का इतिहास 47 के बाद, यानी 71 साल का इतिहास, दो मोमेंट्स तो हर 3-4 मोमेंट्स सब लिस्ट में होंगे। एक तो 83 की वर्ल्ड कप विक्ट्री, जब भी मैं सोचता हूँ वो मुझे लगता है डिफाइनिंग मोमेंट थी, जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिताया। फिर 2011 महेंद्र सिंह धोनी जिताते हैं। अब के जमाने में T20 वर्ल्ड कप को भी जोड़ना ही पड़ेगा 2007 की जीत। ये तीन मुझे लगता है टीम की कामयाबी, मैं 71 की जीत को भी बहुत बड़ा मानता हूं, क्योंकि पहली बार हम देश के बाहर जाके इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को एक साल में हराते। एक तो ये चार मुझे लगता है किसी भी लिस्ट में होंगे एज टीम अचीवमेंट्स। आप बड़िंग क्रिकेटर थे और उस जमाने में आप खेले, आजकल बड़िंग क्रिकेटर्स कहां खेलने वाले हैं? हमारा स्टार क्रिकेटर है, जब भी एमपीज के साथ खेलते हैं हमारे बोर्डों के मैच होते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स तक के लिए बड़ा दिन है, मतलब देखिए इंडिपेंडेंस डे विद सुनील गावस्कर। और देखिए जब सनी भाई से हमने पहले शोज किए थे, वो पूरी क्रिकेट वर्ल्ड में गए हैं जो जो उन्होंने कहा, और वो एक एक लव्ज मेजर्ड होता है, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो लिस्ट बनाई होगी रशेश, उसमें उनकी नजरिया होगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका विजन क्या है। चलिए अभी अगला पड़ाव वही है कि सुनील गावस्कर बहुत जल्द यहाँ पे आना है, तो हम यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। देखिए इस तरीके का कुछ स्पेशल होने वाला है स्पोर्ट्स तक में, तो आप तक लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि जब से सनी भाई जुड़े हैं, और पहले भी बड़े बड़े नाम थे, लेकिन सनी भाई के आने से ना 4 चांद लग गए। चलिए जुड़े रहे स्पोर्ट्स तक के साथ, फिलहाल एक टिकट।